केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश पर विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी सफलता मिल सकती है। दरअसल अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी से किनारा कसने वाली कांग्रेस अब केजरीवाल का साथ दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 16 जुलाई को केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस ने 16 जुलाई को संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है, जिसके बाद पार्टी अपना रुख साफ कर सकती है। गौरतलब है बीते मई के महीने में केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की ओर से अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान करने के बाद अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होनी है। आम आदमी पार्टी को विपक्षी पार्टियों की इस दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस से निमंत्रण भी मिला है, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि कांग्रेस की तरफ से हमें बैठक के लिए निमंत्रण मिला है। अगर अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करती है तो हमारी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर विचार करेगी। दरअसल आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। लगभग सभी नेताओं ने उनका समर्थन करने का ऐलान भी किया है। गौरतलब है अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर समर्थन के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलने का भी समय मांगा था, हालांकि ये मुलाकात नहीं हो पाई। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में सीएम केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया था और कांग्रेस से इस पर रुख साफ करने को कहा था। दरअसल केंद्र के इस अध्यादेश से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रही है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि यह अध्यादेश असंवैधानिक है और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।